दोस्तों, मोहम्मद रिजवान और सरफराज अहमद में से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के अंदर किसको होना चाहिए, आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। और आप किसको पसंद करते हैं? बाबर आजम ने आखिरकार बता ही दिया कि टेस्ट सीरीज़ के अंदर वो किसको खिलाएंगे, मोहम्मद रिजवान या सरफराज अहमद में से। तो फ्रेंड्स, वीडियो कंटिन्यू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हाफिज़ सरफराज अहमद ने पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए बेशुमार खिदमात अंजाम दी हैं। इन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान को T20s के अंदर नंबर वन टीम बनाया, बल्कि पाकिस्तान को चैम्पियन ट्रॉफी भी जिताई। और ये वाहिद चैम्पियन ट्रॉफी थी जो आज तक पाकिस्तानी क्रिकेट तारीख के अंदर कोई कप्तान ना जितवा सका। मगर फ्रेंड्स, इस क्रिकेटर के साथ ज्यादती पिछले 1-1.5 साल से हो रही है और बदकिस्मती से आगे भी होती रहेंगी। तो फ्रेंड्स, बाबर आजम ने क्या कहा कि वो किस कीपर को सिलेक्ट करना चाहेंगे? मोहम्मद रिजवान इज़ अवर फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर एंड ही विल गेट फुल चांस ड्यूरिंग द टेस्ट सीरीज़। तो फ्रेंड्स, बाबर आजम ने कहा कि मोहम्मद रिजवान को टेस्ट सीरीज़ के अंदर पूरा मौका दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इससे ज़ाहिर होता है कि तमाम टेस्ट मैचेस मोहम्मद रिजवान को खिलाए जाएंगे। अगर पाकिस्तानी आवाम से पूछा जाए कि वो किसको ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, तो मेरे ख्याल से तो सरफराज अहमद के साथ हैं सब। मगर दोस्तों, आप ज़रूर राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर कि क्या आप मोहम्मद रिजवान के साथ हैं या सरफराज अहमद के साथ।